उत्तर प्रदेश के उन्नाव से है। भारत के मिशन चंद्रयान 3 की चांद पर सफल लैंडिंग होते ही पूरा देश खुशी से झूम उठा, क्योंकि ये कारनामा करने वाला भारत पहला देश बन गया है जिसने दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग की। इस अवसर पर नर सेवा नारायण सेवा हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय मंत्री एवं प्रभारी विमल द्विवेदी ने बड़े चौराहों पर आतिशबाजी कर लड्डू बांटे। इससे पूर्व चंद्रयान की सफल लैंडिंग के लिए महाआरती का आयोजन कर भगवान से प्रार्थना की गई। मीडिया से बातचीत में विमल द्विवेदी ने कहा, रूस द्वारा भेजे गए मिशन के क्रैश हो जाने के बाद पूरी दुनिया की निगाहें चंद्रयान 3 पर लग गई थी। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों की दिन रात की मेहनत से भारत का सर पूरी दुनिया में ऊंचा हो गया है। अभी तक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अमेरिका या रूस तक अपने मिशन नहीं उतार सके हैं। चंद्रयान 3 की लैंडिंग के लिए हम सब ने भोलेनाथ से प्रार्थना की, महाआरती का आयोजन किया और सफल लैंडिंग हो चुकी है। हम पूरे भारत के लोगों को, भारतवासियों को बधाई देना चाहते हैं, इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई देना चाहते हैं कि भारत प्रथम देश हो गया है। अमेरिका व रूस जैसे देशों ने इसमें सफलता नहीं पाई है। भारत ने चंद्रयान 3 के सफलता के लिए मैं पूरे विश्व के जो भारत के वैज्ञानिक हैं उनको मैं बधाई देना चाहता हूं, भारतवासियों को बधाई। हम सब गौरवान्वित हैं कि भारत ने पहला स्थान प्राप्त किया है उसमें परीक्षा में। सबकी जो भारत वैज्ञानिक हैं उनकी सबके प्रयासों से हम सब भारतवासियों के जो दुआएं हैं, अगर पूजा अर्चना जो हम सब ने की है उसका भी आज सब जान रहे हैं। प्रत्येक भारतवासी जो इस देश में रह रहा है वो सफलता के लिए बधाई दे रहा है। पूरे देश में खुशियाँ मनाई जा रही हैं। क्रम में आज हिंदू जागरण मंच व नर सेवा नारायण सेवा द्वारा भी यहाँ भव्य आयोजन किया गया है। मैं आप सबके माध्यम से आप सबको भी बधाई देना चाहता हूँ, भारतवासियों को बधाई देना चाहता हूँ, वैज्ञानिकों को, इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई देना चाहता हूँ। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।